The first step towards achieving your dreams is having the right coach. Get the best education with Tad Kong Lam and make your AutoCAD 2D 3Ds max. Dreams come true. Download the app now. डी देना होती है इलेक्ट्रिकल डिटेल। इसकी अगर हम बात करें तो इसमें वर्किंग हमें कैसे करनी है, इसके दो पार्ट है। एक तो पहला पार्ट इसका हम लोग लेके चलते हैं, जो इसका एक होता है प्लान और दूसरा इसका होता है एलिवेशन। दो पार्ट इसके होते हैं। तो एलिवेशन को मैं कवर करूंगा आपके इंटीरियर वाले सेक्शन में, जब इंटीरियर को मैं स्टार्ट करूंगा मैं उसमें कवर करूंगा। और फ्लो प्लान्स में जो मोस्टली हमें कॉमन देना होता है वो हमारा होता है प्लान, इलेक्ट्रिकल लेआउट। बहुत ईजी, लोगों को बहुत कन्फ्यूजन लगता है ये चीज़, लेकिन हम चीज़ों को ऐसे ऑब्जर्व करते हैं कि जैसे हम अपने घर पे कोई चीज़ डिज़ाइन कर रहे हो, अपने घर के बेसिस पे कोई चीज़ डिज़ाइन करेंगे। एग्जांपल लो, सबसे पहले इलेक्ट्रिकल लेआउट के लिए द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज आपके पास लेजेंड होना बहुत इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रिकल लेजेंड होना बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप इस पर वर्क कर रहे हैं तो। इसमें हमें कुछ चीज़ें मिलेंगी, अगर आपके पास ये चीज़ नहीं है तो आप इसकी टेबल्स क्रिएट कर सकते हैं। ये फाइल मैं सेंड कर दूंगा और इसी के बेसिस पे आप लोग वर्किंग कर सकते हैं। सीरियल नंबर, सिंबल्स, डिस्क्रिप्शन, हाइट फ्रॉम फ्लोर लेवल, ये कुछ हमें यहाँ पर पार्ट्स मिल गए। अब इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है वो होती है सिंबल्स की इंफॉर्मेशन, उनके बारे में जानना कि वो क्या होता है। लाइक सीलिंग फैन, यहाँ पर क्वेश्चन दिमाग में बहुत सारे अराइज हो रहे होंगे कि क्या ये सिंबल्स स्टैंडर्ड हैं। ऐसा कुछ नहीं है, स्टैंडर्ड कुछ नहीं है कि हर कंपनी के अपने खुद के सिंबल्स होते हैं, उनकी खुद की डिटेलिंग होती है, तो वो अपने उस खुद स्टैंडर्ड सिंबल्स के बेसिस पे काम करते हैं वो लोग। अब हमें करना क्या है यहाँ पर, ये चीज मैं दिखा देता हूँ। ये क्या है, ब्रैकेट लाइट, ट्यूब लाइट, LCD स्विच, 5 एम्पियर प्लग पॉइंट, 15 एम्पियर स्प्लिट AC स्विच बोर्ड, बहुत कुछ है सारे नाम पर, मीटर बॉक्स, MCB, बजर, 5, 15 एम्पियर मोटर सॉकेट, सब कुछ दिया है। अब हमें करना क्या है, अपने इन सिंबल्स को अपनी ड्राइंग में कॉपी पेस्ट कर लेना है, CO से नहीं, कंट्रोल C से। और आपकी जो ड्राइंग होगी आप उस ड्राइंग में आके कंट्रोल V करके अपनी जो एक अलग से आप लेआउट क्रिएट करेंगे उसमें ले जाके पेस्ट कर देंगे। पहली चीज तो ये, कॉपी एंड पेस्ट, और ये लेआउट आपका एक अलग शीट में क्रिएट हो जाएगा। शीट्स जिसके पास नहीं है वो हमसे शीट ले सकता है, लेकिन शीट इंपॉर्टेंट है। ये मैं पहले भी बोल चुका हूँ सभी लोगों को कि सबके पास शीट्स होनी चाहिए, विदाउट शीट कोई भी काम नहीं करेगा। तो शीट मैं सेंड कर दूंगा, उसको ड्राइंग में इंपोर्ट करा लेना। अब क्या क्या होना चाहिए, अगर हम एक जेन्युइन बात करें इसके बारे में, किसी को इन्फॉर्मेशन नहीं है, बेसिक सभी को नॉलेज है, कहाँ पर देना चाहिए ये किसी को नहीं पता। तो अब हमें कैसे डिसाइड करना है, देखो ये चीज़ें डिपेंड करती हैं कि क्लाइंट की रिक्वायरमेंट के ऊपर। फर्स्ट थिंग इज आप अपने अकॉर्डिंग चीज़ें नहीं दे सकते उसमें, पहली चीज़ तो ये। अब एक रूम में क्या होना चाहिए, ये एक कॉमन सेंस है, ये कोई इसमें डाउट नहीं होना चाहिए कि यार मैं एक रूम में क्या क्या चीज़ें दे सकता हूँ। मैं थोड़ा सा एग्जांपल अगर यहाँ पर क्लियर करूँ तो समझ में आएगा। एक बेडरूम में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है फैन, पहला पॉइंट। उस बेडरूम में फैन के साथ साथ, फैन अगर नहीं है, कोई मॉडर्न बेडरूम डिज़ाइन करना चाहते हो तो वहाँ पर एक शैंडलियर दे सकते हो, दोनों कंडीशंस होगी। हमारे पास बेड होगा, सिंपल सी बात, बेड अगर हमारे पास है तो ऊपर लाइट भी होगी। भाई मॉडर्न बेड, अगर हम टॉपिक को थोड़ा सा साइड में मूव हटा दें और अगर हम थोड़ा सा बहुत हाई लेवल पे जाएं, देखो मॉडर्न डिज़ाइन जो होता है, जो लग्जरी बेडरूम्स होते हैं, वो कोई क्लाइंट नहीं कराता है। ये चीज़ तो बहुत कॉमनली समझना है सबको कि अभी इतना ऐसा कुछ हम लोग, जैसे कि एग्जांपल अगर आप उस लेवल पे आप नहीं हो कि आप लग्जरी बेडरूम डिज़ाइन कर रहे हैं तो सारी बहुत हाईटेक इलेक्ट्रिसिटी उसके पॉइंट्स को आप मेंशन कर दोगे, नहीं इतना चलेगा नहीं, कॉमन है क्योंकि इतना कोई अफोर्ड नहीं कर पाता है। तो हम एक जेन्युइन जो एक कॉमन होना चाहिए हम उसको फॉलो करते हैं, बेड के ऊपर एक लाइट।
अब वो कोई भी हो सकती है, वॉल लाइट भी हो सकती है उसमें आपकी, कुछ भी हो सकती है, ट्यूब लाइट भी हो सकती है, सीएफएल भी हो सकती है, कुछ भी एक लाइट मान लो, एक पॉइंट है हमारे पास बैट के पास, उसको दो चीजों की जरूरत पड़ेगी। अब यहाँ पर इन सिंबल्स का यूज क्या है, इसको यहाँ पर देखो, 5 एम्पीयर प्लस पॉइंट, 15 एम्पीयर पावर पॉइंट, दो चीजें हैं। मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर 5 एम्पीयर और 15 एम्पीयर के दो पॉइंट हमें देने हैं। पहली चीज ये, इसको रीड कर लो पहले, सब कुछ समझ में आ गया होगा, सब कुछ दिख गया होगा क्या क्या सिंबल्स हैं। अब लास्ट में आता है ये वाले सिंबल्स, इनको बहुत ध्यान से समझ लो क्या क्या ये एक्सप्लेन कर रहे हैं। ये भी कॉमन है, गीजर सॉकेट, 5 एम्पियर प्लग पॉइंट, 15 एम्पियर पावर पॉइंट, मोटर सॉकेट, 15 एम्पियर सॉकेट। अब यही सिंबल्स, ये बेडरूम है, ये क्या है, यहां पर आए 5 एम्पियर प्लग पॉइंट, 15 एम्पियर पावर पॉइंट, दो चीजें इन्होंने यहां पर दे दी। ये जो सिंबल है, ये सिंबल यहां पर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, टू वे स्विच फॉर लाइट एंड फैन बेड साइड, ठीक है, जरूरत पड़ सकती है बंदे को चार्जिंग वगैरह के लिए, कुछ भी एक्स्ट्रा चीज यूज करने के लिए। 15 एम्पियर दे दिया, इसका क्या यूज है, 15 एम्पियर पावर पॉइंट, ठीक है, इमरजेंसी के लिए वो भी है, टेलीफोन पॉइंट होगा तो टेलीफोन पॉइंट हो गया हमारे पास, एसी है नॉर्मल एसी हो गई, वॉशरूम टू वे स्विच दे दिया, सामने टीवी यूनिट है तो सामने टीवी यूनिट अगर हमारे पास है तो वहां पर आपका कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट जो भी टीवी के लिए है, कुछ एक्स्ट्रा लाइट्स वगैरह के लिए है, वो भी हम वहां पर मेंशन कर सकते हैं कि हम वहां पर प्लग पॉइंट और पावर पॉइंट दोनों दे सकते हैं। इस वॉल पे लाइट इंपॉर्टेंट है, इस वॉल पे लाइट इंपॉर्टेंट है और यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, तीन यहाँ पे हमने लाइट्स को ऐड करा दिया। अब ये है हमारा स्विच बोर्ड, एंट्री करी कहाँ आया, लेफ्ट हैंड पे, ठीक है। ये सिंबल्स क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, यहाँ पर स्विच बोर्ड जिसमें फैन एंड रेगुलेटर दोनों चीजें दी होंगी। ये है टॉप व्यू, इससे ज्यादा और कुछ नहीं हो सकता, और कुछ होगा तो रिक्वायरमेंट पे होगा, वो हम या आप उसमें ऐड कर सकते हैं, कोई डाउट नहीं होना चाहिए इसमें। अब ये तो हो गया लेआउट, इसकी जो सेकेंड डिटेल है वो जो आती है एलिवेशंस की, वो एलिवेशंस में कवर होती है जब हम स्टार्ट करते हैं इंटीरियर, उसमें हम देते हैं कंप्लीट डिटेल ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी, जैसे कि क्या क्या होगा, टीवी, बैकड्रॉप लाइट, यहाँ पे प्लान होगा, प्लान के साथ साथ यहाँ पर एलिवेशंस भी होगा कि कौन सा मॉड्यूल हम यूज करेंगे या कर सकते हैं। स्विच बोर्ड टू में हमने 8 मॉड्यूल दिए हैं जहां पर इतने इतने सॉकेट, टीवी ऑन ऑफ, फुटलाइट, फैन ऑन ऑफ, फैन रेगुलेटर, यूएसबी सॉकेट दिया है, किस लोकेशन पे दिया है उसका एक फ्रंट एलिवेशन क्रिएट करके हम वहां पर मेंशन करते हैं विद डायमेंशन। ये पार्ट आ गया हमारे इंटीरियर में और ये पार्ट आ गया हमारे आर्किटेक्चर में। तो हम इसके बेसिस पे चलते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं, बहुत सिंपल है, लोगों को बहुत डिफिकल्ट टास्क लगता है लेकिन हम जब एक्सप्लेन करेंगे तो बहुत ही सिंपली आप कहोगे कि सर इससे इजी नहीं होगा कोई भी। ये रहा हमारे पास एग्जाम्पल, ये रहा इनका गंगेश का एक लेआउट, ये एक बेडरूम है। अब इसमें अगर आप वर्किंग करना चाहते हो तो कुछ एक्स्ट्रा चीजों को पहले रिमूव कर देना, पहली चीज तो ये है, ये जो फर्नीचर आप दोगे उस फर्नीचर को आप बहुत लाइट कलर से शो कराएंगे क्योंकि चीजें मिक्स नहीं होनी चाहिए, डिटेलिंग क्लियर वे में आनी चाहिए। और चाहो तो इनकी एक अलग से, मैं सभी को बता चुका हूं, ए फिक्चर के नाम से इन्होंने बनाया है, तो ए फिक्चर दिस वन, ट्रांसपेरेंसी कर दो 50%, सिंपल। क्या होना चाहिए, इसको मैच करा लो, कॉपी करो, सीओ से ये पॉइंट निकालो और ये पॉइंट
कहां पर आएगा, सेंटर पॉइंट ट्रैक करो इसका, वॉल का दिस पॉइंट, इसको पकड़ के मूव करा लो इस तरह। सिंबल्स का कलर बिल्कुल डिफरेंट रखेंगे ताकि चीजें प्रॉपर वे में नजर आए, इस चीज का बहुत ध्यान देना है। जो चीज हम जिसपे काम करना चाह रहे हैं, और अगर वो ब्लॉक है और अगर ब्लॉक में वो चेंज नहीं हो रहा है तो उसे एक्सप्लोर करके वहां पर मेंशन कर देना। अब इसमें ये बेड हमारा इन्होंने यहां पर दिया है, तो हमने क्या करा, एक लाइट का पॉइंट वहां पर दे दिया, सिंपल हमने कॉपी कर लिया, सेलेक्ट सीओ, ये पॉइंट हमारा आ गया उठ के कहां पे, ये पॉइंट हमारा उठ के आ गया इस वाले वॉल के मिड पॉइंट पे। इस वॉल पे अब आपने डिसाइड करा एसी का, एसी आपकी इस वॉल पे भी आ सकती है, एसी आपकी इस वॉल पे भी आ सकती है और यहाँ पे भी आ सकती है, वो डिपेंडिंग ऑन द रिक्वायरमेंट वो जहाँ रखेगा। तो मैंने नॉर्मली एसी की लोकेशन ऐसी जगह पर रख दी है साइड में, जहाँ पर हम ये हमने इसको लिया और रोटेट। इसीलिए कहते हैं कि जब भी कोई फर्नीचर लेआउट क्रिएट कराया जाता है तो बहुत ही सिस्टमेटिक वे में और सोच समझ के कराया जाता है, और ऐसे आप कुछ भी रैंडम अगर आप वहाँ पर मेंशन कर दोगे तो फिर वो चीज़ समझ में नहीं आएगी। और बेड की लोकेशन आपने ऐसी दी है जिसमें हम यहाँ पर टीवी यूनिट को मेंशन नहीं कर सकते, इस साइड में मेंशन करना पड़ेगा, इसलिए कहते हैं कि हर एक चीज को बहुत सोच समझ के मेंशन करना होता है कि हम ये चीज अगर वहां पर मेंशन कर रहे हैं तो वहां पर कोई प्रॉब्लम तो क्रिएट नहीं होगी बाद में, इन सब चीजों को ध्यान रखना पड़ेगा। दूसरा, हमने एक लाइट का पॉइंट हम और देना चाहते हैं, तो मैंने एक लाइट का पॉइंट और कॉपी कर लिया। सिंबल्स आपके पास होंगे, वहां से कॉपी एंड पेस्ट आप करोगे, और इस वॉल पे है, इस वॉल पे है, इस वॉल पे, तीन है, डिपेंड करेगा कौन सा डिजाइन दे रहे हो, कैसा आप देना चाहते हो। एक पॉइंट हमने यहां पर इस वॉल पे भी दे दिया। अब हमारे पास क्या बचा, अब हमने इसको नोटिस क्या करा कि इसके बाद हमने यहां पर क्या देना है, हमें यहाँ पर देना है क्या चीज, 5 एम्पियर प्लग पॉइंट बेड साइड जो बॉटम एज से होगा जर्नल 2 फीट 3 इंच पे, टू वे स्विच फॉर लाइट एंड फैन बेड साइड जिसकी वो भी स्टैंडर्ड बॉटम एज पे होगा जर्नल 2 फीट 3 इंच पर। इन दोनों को मैं ग्रुप कर लूंगा और कॉपी कर लूंगा इनको मैं अपने इस पॉइंट से उठा के, और जहां पर हमें चाहिए होगा, देखो यहाँ पर इन्होंने इस लोकेशन पे मेंशन करा है, हमारे पास बेड साइड टेबल जहां पर होगी वहां पर हम मेंशन कर देंगे। और ये टेलीफोन पॉइंट अगर हमारे पास होगा तो ठीक है, अच्छी बात है, नहीं होगा कोई बात नहीं। और इस सिंबल्स का क्या यूज होता है, दैट इज 15 एम्पियर पावर पॉइंट, सेम हाइट हमारी होगी, इसको भी हम वहां पर देंगे। लोकेशन आप कोई भी दे सकते हो, मैंने वहां पर मेंशन कर दी दिस पे। एग्जांपल यहां पर इन्होंने टीवी यूनिट को मेंशन नहीं करा है, अगर हमने मान लिया कि इस पॉइंट से हम इतना पार्ट कवर करेंगे टीवी यूनिट का, इन्होंने नहीं दिया बट हम यहाँ पर मान लेते हैं वहाँ पर टीवी यूनिट हमारा होगा और जिसको हम रिप्रेजेंट भी कर सकते हैं किसी टेक्स्ट के थ्रू लिख के, और उसको हम रोटेट करा देंगे नॉर्मली ऑर्थो ऑन करके कुछ इस तरह, और मेंशन कर देंगे उसको लाइक टीवी यूनिट, और स्केल करके वहां पर मेंशन कर देंगे। कोई भी डिजाइन बना के वहां पर मेंशन कर सकते हो, वो आपके ऊपर है इस पॉइंट। अब यहां पर हमें जरूरत किस चीज की पड़ेगी, तो ये डिश टीवी लगा रहे हो, टाटा स्काई लगा रहे हो, कौन सी कंपनी लगा रहे हो, वो आपके ऊपर प्रभाव है। लाइट ठीक है, इस वाले को पॉइंट को ले लिया हमने, और टेलीफोन पॉइंट इंपॉर्टेंट नहीं है, अगर होगा तो ठीक है, वरना बहुत रेयर केसेस में होता है। तो डिसलेक्ट करो, कॉपी करा सीओ एंटर, और एक स्पेसिफिक पॉइंट लिया जहां पर हमारा सेट होगा वहां मेंशन कर दिया। टीवी यूनिट को बहुत लाइट कलर से, मैंने कहा जो चीज पे वर्क कर रहे हैं उस पे ज्यादा फोकस करना, इसको भी बहुत लाइट कलर से हम ले लेते हैं लाइक एग्जांपल दिस वन, और डबल क्लिक करके अगर फिर भी चेंज नहीं हो रहा है तो उस क्लियर को चेंज कर देना वहां पर। अब आती है बात, हम एंट्री करेंगे तो एंट्री करते वक्त हमें चाहिए स्विच बोर्ड, मैंने कॉपी करा, जिस चीज को बना रहे हो सबको ग्रुप करते हुए चलना, वरना फिर दिक्कत होगी तुम लोगों को काफी ज्यादा। ये आपने यहां से उठाया और डोर के पास आपने मेंशन कर दिया। अगर एग्जांपल
ऊपर फॉल सीलिंग होती तो आप फॉल सीलिंग में भी लाइट मेंशन करते कैसे, वो भी हम एक्सप्लेन करेंगे। तो अब हमें क्या करना है, इनको कनेक्शंस को दिखाना है, कनेक्शंस को दिखाना है। तो हम वहां पर यूज करते हैं आर्क, थ्री पॉइंट आर्क, स्विच बोर्ड कनेक्शंस को बहुत ही सिस्टमेटिक वे में, इस तरह वन देन टू दिस पॉइंट, ये अगेन दिस पॉइंट, इसे फैन लाइट एसी, ये हो गया और ये हो गया हमारा टू वे स्विच, इसको भी हमने वहां से कनेक्शन को मेंशन कर दिया, इस तरह और इस तरह हाइलाइटेड। अगर यहाँ पर लाइट हमारी है ऑलरेडी, हमने वहां पर दी है वो पॉइंट, और इसी को हम टर्न करा के यहाँ पर इस तरह ले आए। इनके कलर को बिल्कुल डिफरेंट रखेंगे ताकि बिल्कुल ही दूर से पार्ट नजर आए। येलो कलर अगर मेंशन करोगे तो हाईलाइट नहीं करेगा, तो ये रेड कलर बचता है जिससे हम सारी चीजें प्रॉपर वे में देख सकते हैं। कुछ लोग इसको डॉटेड लाइन भी कर देते हैं, आप कर सकते हो, क्योंकि हर किसी का अपना अपना डिजाइन करने का कॉन्सेप्ट होता है, उनका फंडा होता है। डॉटेड कर दोगे तो थोड़ा सा कोई दिक्कत नहीं होगी, बस ये थोड़ा सा अजीब लगेगा, क्लियर प्रॉपर वे में शो नहीं करेगा, बस और कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर हम इसको डॉटेड करके दिखा भी देते हैं, चलो एग्जाम्पल लो, तो वो चीज नहीं आएगी इस तरह। तो इसको हम सॉलिड करके रखेंगे। अब हमारे पास ये अटैच, इन्होंने ओटीएस दिया है, ओटीएस में अगर लाइट दोगे तो वहां पर भी स्विच बोर्ड और लाइट दे दोगे। वॉशरूम में आते हैं तो वॉशरूम में भी हमारे पास ये कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर है कि वॉशरूम में अगर हम आ गए तो हमने इसको कॉपी करा और ये पॉइंट हमारे यहाँ पर आ गया। एक्स्ट्रा चीजों को हमने यहाँ पर डिलीट कर लिया, इसको डिलीट करा, इसकी लेयर को भी लाइट रख देंगे। और वॉशरूम की अगर हम बात करें तो वॉशरूम में कंडीशंस के ऊपर है बहुत सारी। WC आपने यहाँ पर मेंशन करा है, और अगर यहाँ पर आप वॉश बेसिन या कुछ छोटा सा वैनिटी या कोई भी ऑब्जेक्ट अगर आप देना चाहते हैं तो वहाँ पर आप मेंशन कर सकते हैं, ये आपकी रिक्वायरमेंट के ऊपर है। तो मैं यहाँ पर वो भी एक एग्जांपल ले लेता हूँ कि इन्होंने यहाँ पर मेंशन कर दिया वैनिटी का पोर्शन। अब वैनिटी का पोर्शन दिया है तो ऑब्वियसली वहाँ पर लाइट तो होगी, ठीक है। ये मैंने एक मिरर ले लिया, यहाँ पर हमारा मिरर का पार्ट होगा। क्या क्या चीज़ें हमें चाहिए होंगी, एग्जॉस्ट हमें चाहिए होगा यहाँ पर, उसका सिंबल्स हमारे पास वहाँ पर दिया हुआ है ऑलरेडी, तो उसे कॉपी करना और कॉमन है, इसमें कोई भी मुश्किल चीज़ नहीं है, वो यहाँ पर आ जाएगा। इस डिटेल को आप नॉर्मली अभी हटा दो, एग्जॉस्ट है दैट मीन्स ये बंदा समझ जाएगा कि यहाँ पर क्या कहना चाह रहा हूँ मैं। और क्या ज़रूरत पड़ेगी तुम्हें, हमें ज़रूरत पड़ेगी गीजर है अगर तो ठीक है दे दो, वो भी रिक्वायरमेंट के ऊपर है भाई, लेकिन इंसान लगवाता ही है, आज नहीं तो कल फ्यूचर में यूज ही करेगा वो, उसको भी हमने ऐड करा लिया। और यहाँ पर हमें ज़रूरत पड़ेगी, वॉश बेसिन दिया हुआ है ठीक है, वहाँ पर हमारे पास वैनिटी का पोर्शन हो गया, और ये जो सिंबल होता है, इस सिंबल्स की अगर हम बात करें तो ये सिंबल दे रहा है कि दैट इज द वॉश बेसिन लाइट, इसका इसकी जो प्रॉपर्टी है वो खुद में एक्सप्लेन कर रही है। तो कहाँ पर है, दिस पे, इसको मैं रोटेट करा लूँगा और ऑर्थो ऑन करके इसको मैं सिंपली मूव करा के स्केल करा के मेंशन कर दूंगा इस पॉइंट पे। हमें सिर्फ इंडिकेट करना है, ज़्यादा डिटेल हमें इसलिए नहीं देनी क्योंकि ये काम है हमारे इलेक्ट्रिकल भाई साहब का। अभी हम उस पॉइंट पे भी आते हैं, ठीक है। और क्या चाहिए, ये जो लाइट दी है ये सीलिंग की लाइट है। एग्जाम्पल ले लो, आपने वॉशरूम में सीलिंग को मेंशन करा है और फिर आप वहां पर क्या करोगे, तो मैं सिर्फ एक एग्जाम्पल ले रहा हूं, तुम लोग समझ जाना, इसको डिज़ाइन करेंगे बाद में। ये हमने दिया है DDP टाइप, पॉइंट का स्टाइल कोई भी एक ले लो, साइज लेके ओके करो, और ये हमारी हो गई सीलिंग की लाइट। जस्ट थिंक, ये हमारी लाइट्स है कि हमने वहां पर मेंशन कर दी इस तरह। अब RE एंटर कर देना या DDP टाइप करके दोबारा इनके पॉइंट के साइज को वहां पर कम ज्यादा कर लेना। अब हमने क्या नोटिस करा कि लाइट्स भी हमारे पास आ गई, गीजर भी आ गया हमारे पास, ठीक है, सीलिंग में लाइट भी आ गई। लाइट अगर देनी है वॉल पे तो आप वो भी वॉल पे मेंशन कर सकते हो, किस वॉल पे हमारे लिए परफेक्ट रहेगा, यहाँ पर हमारे लिए यहाँ पर परफेक्ट रहेगा इस वाली वॉल पे। तो मैंने उसको सिंपली वहां से RO एंटर करके
रोटेट करा लिया इस वे में, और मूव करा लेंगे हम उसको ऑर्थो ऑफ करके, जो जहां पर मिड सेक्शन होगा वहां पर। रही बात टेक्स्ट की, थोड़ा सा इसको साइड में करो ताकि अदर चीजों पे हम फोकस कर सके। अब और इससे ज्यादा क्या है, इससे ज्यादा और अगर हम बात करें तो ये जो कनेक्शंस हैं हमारे इनके, तो हम इनको पहले कनेक्ट कराएंगे आपस में फॉल सीलिंग को। तो इनको हम कुछ इस तरह एंड दिस वे आके हमारे इस वाले पार्ट से, ये हमने इनको कनेक्ट करा दिया और इन्हीं का कनेक्शन हम यहाँ पर ऐड करा देंगे किसी को भी एक पॉइंट को लेके यहाँ से। ये कंट्रोल करेंगे हम लाइट को, सिंपल इज इसको कंट्रोल करेंगे हम गीजर को यहाँ पे देना चाहते हैं, इसी को कंट्रोल करेंगे हम वैनिटी को, ठीक है। एग्जॉस्ट हमारे पास यहाँ पर दिया हुआ है, हम एग्जॉस्ट को भी वहां से कंट्रोल करेंगे, ठीक है। तो एग्जॉस्ट पे भी हम आते हैं और एक पॉइंट वहां पर भी हम ऐड करा के छोड़ देते हैं। यहाँ पे हमारे पास मिरर लाइट है, तो हमने वहाँ पर उसको मिरर लाइट को वहाँ पे भी स्विच बोर्ड दे सकते हो, कुछ भी अपने अपने अकॉर्डिंग है, कोई उसमें वो नहीं है, आपके ऊपर है, डिपेंड करेगा। और सबको हमने मैच करा दिया इस तरह, एम ए एंटर करके इसी सेम लेयर से हमने इसको मैच करा दिया हर एक को इंडिविजुअल, ये वाला पॉइंट और दिस वे एंड दिस, ठीक। सेम चीज किचन में, अब किचन में क्या रिक्वायरमेंट होती है, आरओ चाहिए होता है, गीजर चाहिए होता है वहां पे भी, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ रिक्वायरमेंट हम वहां पे भी देखेंगे कि हमें क्या चीज मेंशन करनी है। जहां पर हमें चाहिए होगा वहां पर हम एक स्पेसिफिक एरिया लेंगे और वहां पर हम उसे रोटेट करा के, या हमारे पास दूसरा ऑप्शन ये है कि हम उसको यहाँ से रोटेट कराएंगे और जहां पर एक पॉइंट देना चाहते हो, परफेक्ट स्पेस आपके लिए जो होगा वहां पर आप मेंशन कर सकते हो। तो आपने स्पेस को यहां पर आगे तक नहीं बढ़ाया था, इसको मैं ट्रिम कर देता हूं और ये मैं यहां तक एक्सटेंड कर दूंगा। और क्या इसमें हो सकता है, अब ये सिंबल्स देख के समझ में नहीं आ रहा है कि इनका क्या यूज होता है, तो इनके लिए भी चलो हम अभी देख लेते हैं, पर इनको हम कॉपी कर लेते हैं और एक स्पेसिफिक एरिया जहाँ पर ज़रूरत पड़ती है लोगों को, लाइक कुछ मशीन वगैरह लगानी है या कुछ चीज़ें यूज़ करनी है उनको, तो वो भी हमें चाहिए होता है। तो इसको हम यहाँ से मूव करा के दोनों को, ऑब्जेक्ट्स को सेलेक्ट करेंगे और सिंपली ऑर्थो ऑफ करके मेजर कर देंगे। इनका जो रोल है वो ये है, दैट इज द 5 एम्पियर प्लग पॉइंट फॉर किचन एंड द 15 एम्पियर पावर पॉइंट फॉर किचन, द टोटल हाइट From the bottom match is 3 feet, both of this object 3 feet हमने यहाँ पर ले रखी है। इससे ज्यादा अगर हम इसमें देखें तो और कुछ, चिमनी होगी तो चिमनी का पॉइंट वहां पर आ जाएगा, और ये तो कॉमन है कि जहां पर लाइट होगी वहां पर हम लाइट का पॉइंट भी दे देंगे, ठीक है। तो लाइट का पॉइंट एक वॉल ले लेते हैं स्पेसिफिक, वहां पर एम्बिशन कर देंगे, और चाहो तो इस वॉल पे देना चाहो वहां पे भी दे सकते हो, और डोर के पास हमारा आ जाएगा स्विच बोर्ड का एरिया, उसको सेलेक्ट करके हम CO एंटर करेंगे और जहां पर हमें रखना होगा सिंपली हम उसे रोटेट कराएंगे। हमें क्या करना है, यहाँ पे सिर्फ एक नॉर्मल डिटेल को मेजर करना है और इस डिटेल के बेसिस पे हमारा इलेक्ट्रिशियन समझ जाएगा कि कहाँ पर कौन कौन सी क्या क्या चीजें करनी है। अब हमने क्या करा, A एंटर करा, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड सेम थिंग, इसको सेलेक्ट करा, कहाँ पर लाइट हमने दी थी ये लाइट हमारे यहाँ पर आ गई। और अगर हम यहाँ पर देखें जो आरओ और गीजर को भी यहाँ पर हमने पॉइंट दिया है, तो वहाँ पर भी आप इनको नॉर्मली इस तरह शो करा सकते हो इस वे में ये। और बाकी लाइट का कोई पॉइंट है ही नहीं, अगर सीलिंग होगी तो हमको पता है कि वहाँ पर सीलिंग अगर है तो हम वहाँ पर उसको कैसे मेंशन करेंगे, सिंपल। सेम चीज हम अगर डाइनिंग में आएंगे तो डाइनिंग में वही पॉइंट, स्विच बोर्ड, एसी, बेडरूम में सेम कंडीशन, वॉशरूम में सेम कंडीशन, लिविंग रूम में सेम कंडीशन, लाइट वहां पर सारे दिए हुए पॉइंट के, स्विच बोर्ड कहाँ पर दिया है 15 एम्पीयर प्लग पॉइंट, ये सब सारी चीजें मेंशन कर दी, फैन दे दिया हमने। और अगर हम पोर्च एरिया में आते हैं तो पोर्च एरिया में फॉल सीलिंग होगी, तो आप यहाँ पर फॉल सीलिंग में लाइट दिखा के उनके कनेक्शन और वहां पर एक स्विच बोर्ड होगा ऑन ऑफ करने के लिए। अगर हम स्टेयर्स पे आते हैं
कहाँ पर हमने एमसीबी बॉक्स दिया है, कहाँ पर एमसीबी बॉक्स दिया है हमने, जो बिल्कुल एकदम सिक्योर और जो सेफ्टी वाला एरिया होगा हमने वहां पर मेंशन करा है। तो अपना एक खुद का एक स्पेसिफिक एरिया ले लेना जहां पर इसको एड ऑन कर सको। तो एग्जांपल हम अप यहां से हो रहे हैं तो ये हमारा होगा डाउन एरिया, तो हम उसको सेपरेट रखेंगे यहां से, घर से थोड़ा सा डिस्टेंस पे, बिल्कुल सेफ्टी वाली स्पेस पे। अगर हम लाइट वहां पर दे रहे हैं, कभी कभी कुछ लोग क्या करते हैं कि उसके ऊपर ही फॉल सीलिंग करा देते हैं, तो अगर वहां पर आप लाइट्स वगैरह रूफ में अगर आप लाइट दोगे तो वहां पर भी आप लाइटों को मेंशन कर सकते हो। ये देखो दिया है बॉटम ऑफ स्टेयर्स, यहाँ पे भी सिंपल चीज है, वहां पर मेंशन करना है। तो ये हमने एक क्या करा, एक टेबल के बेसिस पे एक कंप्लीट डिटेल को यहाँ पर मेंशन करने की कोशिश करी कि कौन कौन सी कहाँ कहाँ पर क्या क्या चीजें आती हैं। अब इसकी जो बाकी की डिटेल होती है दैट इज कॉल्ड द टिपिकल डिटेल, वो आती है इंटीरियर में कि भाई मैंने बेडरूम में मेंशन तो कर दिया कि यहाँ पर स्विच बोर्ड है, यहाँ पर फुटलाइट है, वहां बता तो दिया मैंने कि यहाँ टीवी यूनिट पे बैकड्रॉप लाइट पॉइंट है, यहाँ पर स्विच बोर्ड है, मैंने उसको बता तो दिया कि यहाँ पर स्विच बोर्ड यहाँ पे भी दिया है, या फिर यहाँ पे भी वायर फॉर कर्टेंस, कर्टेंस के पीछे भी लाइट है। तो उसको हमें देना कैसा है, हमें उसको मेंशन करना है एलिवेशंस के थ्रू। एलिवेशन ए के सामने आ रहा है वार्डरोब और डोर, एलिवेशन ए के सामने वार्डरोब एंड डोर, वार्डरोब के अंदर लाइट, उस पॉइंट को मेंशन करो, उसकी हाइट मेंशन करो। एलिवेशन बी के सामने आ रहा है हमारा क्या, वहां पर कुछ स्टडी टेबल है या फिर टीवी यूनिट है, कोई भी अदर आइटम्स है, तो वहां पर एक स्विच बोर्ड हमने दिया है 1-3 और 3-3 पे, यहाँ पर इस तरह, ये क्या है, यहाँ पर पॉइंट है। एलिवेशन सी में कर्टन्स की लाइट कहाँ पर दोगे, इस पे। एलिवेशन डी में बेड है और बेड के पास भी हमने यहाँ पर, जैसे वहां पर मेंशन करा था अभी इलेक्ट्रिकल लेआउट में, वैसे हमने यहाँ पे भी दे दिया, वो 6 इंचेस या 9 इंचेस ऊपर है, और यहाँ पर SB4 है, तो ये नेम है SB, स्विच बोर्ड 3, स्विच बोर्ड 4, स्विच बोर्ड 2 और स्विच बोर्ड 2, एस स्विच बोर्ड 1 के डिटेल हम इस तरह बना के देते हैं। और इससे ज़्यादा इजी डिटेल लेके वो इतनी इजीली वर्किंग कर लेता है अपनी कि उसको कोई भी डाउट नहीं होता है, वो समझ जाता है कि स्विच बोर्ड 2 में 8 मॉड्यूल का स्विच बोर्ड 2 है हमारा, जिसमें हम देंगे उसको 6 एम्पियर के सॉकेट, 6 एम्पियर सॉकेट ऑन ऑफ, टीवी ऑन ऑफ, फुटलाइट ऑन ऑफ, फैन ऑन ऑफ, फैन रेगुलेटर, यूएसबी सॉकेट, ये तो हम उसको देंगे अपने इंटीरियर वाले सेक्शन में, आर्किटेक्चर वाले पार्ट में हमारे पास सिर्फ यही जाता है। अब आता है पॉइंट नंबर 2 की बात। बहुत सारे लोग क्रॉस क्वेश्चन भी हमसे करते हैं, बहुत सारे लोग प्रोफेशनल्स भी हमसे क्रॉस क्वेश्चन करते हैं कि सर ये चीज तो हम मेंशन कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन अगर हम अदर वे में देखें, जब कंस्ट्रक्शन हमारा होता है तो कंस्ट्रक्शन में हमने एक चीज क्या नोटिस करी होती है कि वहां पर हमारी कंडक्ट फिटिंग जाती है। कंडक्ट फिटिंग जब स्लैब हमारी होती है, स्लैब पड़ने वाली होती है, तो वहां पर पहले से ही स्पेसिफाई कर दिया जाता है कि एमसीबी जंक्शन बॉक्स, जिसे हम लोग कहते हैं, कहाँ कहाँ पर जंक्शन बॉक्स आएगा। आप लोगों ने देखा होगा कि छत के अंदर एक लगा होता है जंक्शन बॉक्स, जिसके अंदर पाइप जाते हैं, उसी पाइप से हमारी वायरिंग जाती है। तो वो चीजें जो हमारी हैं एक्चुअली, उनको अगर हमें डिजाइन करना होगा तो बहुत सिंपल है, आप उनको कर सकते हो, लेकिन बहुत रेयर केसेस में देखा गया है कि उनको दिया जाता है, ड्राइंग में ऐड होता है, बहुत ही रेयर केसेस में। बट एज ए डिटेलिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि मैं भी ड्राइंग ये नहीं बनवाता हूँ, मैं भी जब ड्राइंग करवाता हूँ क्लाइंट की, तो सिर्फ मैं वायरिंग की नॉर्मली करवाता हूँ, कंडक्ट फिटिंग की नहीं कराता हूँ। कराना चाहो तो कर सकते हो, लेकिन थोड़ा सा एफर्ट्स आपके और उसमें लगेंगे। ये हमारी रूम है, कंडक्ट फिटिंग देनी है, तो जंक्शन बॉक्स का एक एरिया हमने वहां पर ले लिया, कहां पर हमारा आएगा, ये हमने जंक्शन बॉक्स को मेंशन कर दिया। अब ये एक स्पेसिफिक पार्ट हमारा हो गया। अब ये चीज यहाँ पर अगर हम ऐड कर रहे हैं, तो होता क्या है कि जंक्शन बॉक्स में हमारे 4 पॉइंट्स हैं, तो हमने वहां पर क्या करा, हमने कॉपी करा। अब ये हमें कौन बताएगा, चलो ठीक है, ये क्वेश्चन मैं कर लेता हूँ, चलो कौन बोलेगा कैसे मेंशन करना चाहिए, चलो कौन एक्सप्लेन करेगा, है कोई? नहीं सर, इसका ज्यादा नॉलेज नहीं है सर। हरी देर नहीं था
यस सर बताओ। इसमें तो सर ये चीज देखा जाता है कि एक तो शॉर्ट टूट देखा जाता है मेन वायर का, ताकि कनेक्टिविटी एक लाइन के थ्रू हो सके। जैसे मान लीजिए एमसीबी बोर्ड है, तो एमसीबी बोर्ड से एक ऐसा कनेक्शन ले जाएंगे जहां से हमको एक ही लाइन में मतलब मल्टीपल चीज अटैच हो जाए। एक तो उसको ध्यान रखा जाता है, जैसे होता है कि रूम बाय रूम हमको पाइप। हाँ एग्जांपल लो, मैं एक सिंपल वर्ड में बात करता हूँ कि मैं सारे एरियाज को क्लोज कर देता हूँ, सबको मैं ब्लैंक कर देता हूँ, क्योंकि तुम लोगों को बहुत रेयर केस में कोई ये सब चीज़ें बताएगा, बहुत ही ये लोग काम ही नहीं करते हैं सब चीज़ों पे। एग्जांपल लो, ये हमारा कुछ नहीं है, सिर्फ हमारी ये स्लैब है और स्लैब कास्टिंग हमारी होने से पहले हमने इस चीज़ को यहाँ पर डिज़ाइन कर लिया है और अब हमको वहाँ पर एक कंड्यूट फिटिंग का एक पूरा डायग्राम मेंशन करना है। मैं ज़्यादा नहीं जाऊँगा, सिर्फ तीन में जाऊँगा, एक्सप्लेन कर दूँगा। तो मुझे अब कैसे मेंशन करना चाहिए? मैंने एक जंक्शन बॉक्स दे दिया यहाँ पर और उस जंक्शन बॉक्स में मैंने यहाँ पर एक कुछ वैसे ही जंक्शन बॉक्स क्रिएट करने की कोशिश करी है जैसे कि हमारा हमारा मार्केट में अवेलेबल होता है। कुछ उस तरह हम उसको नॉर्मली बना देते हैं, कुछ इस तरह होता है। उसके पाइप्स के लिए वहाँ पर चार पॉइंट्स दिए होते हैं, ये कुछ दे दिया। तो अब क्वेश्चन नंबर वन हमारा ये है, हम लोग कैसे डिसाइड करेंगे कि कैसे जाएगा? मान लो ये हमने पहला जो बॉक्स है, जंक्शन बॉक्स हमने वहां पर दे दिया, सेंटर में फिट कर दिया, ठीक है। अब हमें यहाँ पाइपिंग देनी है, तो पाइपिंग को हमें क्या करना चाहिए? इस रूम के अकॉर्डिंग देना चाहिए। एक पॉइंट हमारा इस वॉल पे जाएगा, 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 कुछ इस तरह। नहीं सर। चलो कैसे फिर? एमसीबी बोर्ड देखना पड़ेगा सर, वो कहाँ उस लोकेशन से वायर लेके आएंगे ना। ठीक है, एमसीबी बॉक्स हमारा यहाँ पर दिया हुआ है स्टेयर्स के जस्ट नीचे। तो यहाँ से सर ऐसा भी हो सकता है कि जैसे मान लीजिए जो फ्रंट का रूम है, बेडरूम है, बिल्कुल इस रूम के थ्रू अगर ले जाएं सारे रूम में कनेक्टिविटी, तो ये भी हो सकता है। कुछ लोग इस तरह मेंशन करते हैं। हाँ वो तो डिफरेंट होते हैं, मतलब तुम्हारा पॉइंट तुम्हारी जगह पे बिल्कुल सही है, मैं उसे गलत नहीं कहूंगा, यू आर राइट कि कनेक्टिविटी इज अ इम्पॉर्टेंट थिंग। कनेक्टिविटी एक बेडरूम जंक्शन बॉक्स 1 2 3 4, एक पाइप ये, एक पाइप ये, एक पाइप ये, एक पाइप ये, इसी के थ्रू एक पाइप यहाँ आ गया। कनेक्टिविटी मतलब यहाँ से कनेक्टिविटी हमने यहाँ ऐड करा दी, जंक्शन बॉक्स 1 2 3 4, यहाँ से पाइप चला गया इस वॉल पे, यहाँ से इस वॉल पे, इसी से पाइप की कनेक्टिविटी हमने दिखा दी इस पॉइंट पे। क्या हुआ, हम सारी कनेक्टिविटी दिखाते हुए चले जा रहे हैं, एक स्पेसिफिक पॉइंट हम ढूंढ लेते हैं जो हमारा एंट्री बॉक्स पे चला जाता है। एक तो ये होता है मेथड। अब तुम लोग तुम कैसे करते हो, मैं वही जानना चाहता हूं। जैसे कि मेरा कहने का मतलब क्या हुआ, लाइक मान लो हमारे पास ये हो गया, ठीक है, सेंटर में हमने मेंशन कर दिया 1 2 3 4, चार पॉइंट्स यहाँ पर मेंशन कर दिए गए, इसी को मैंने यहाँ पर कॉपी कर लिया। सिर्फ एग्जांपल के लिए समझना, प्रैक्टिकली यूज बहुत कम आएगा, इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं है, कोई भी नहीं मांगता कंडक्ट फिटिंग का। अब यहाँ पर क्या करा, इस वाले को एक पाइप इससे कनेक्ट, दूसरा पाइप इससे कनेक्ट, तीसरा पाइप इससे कनेक्ट, चौथा पाइप इससे कनेक्ट, और ये हमारी वॉल्स में उतर गया। कनेक्शंस को थ्रू करने के लिए एक दूसरे के थ्रू। अब कैसे करा गया है वो मैंने बनाया इस तरह, लेकिन लोग बहुत अलग अलग वे में रिप्रेजेंट करते हैं, तो उसको मैं थोड़ा सा इस तरह बना के रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, समझ जाना। सर्कुलर बना के लोग करते हैं, तो मैं यहाँ पर अपने अकॉर्डिंग क्रिएट करके दिखाता हूँ। दिस वे एंड दिस सेक्शन, एक पॉइंट, दिस पॉइंट, अलग अलग मेथड होते हैं। और इन चारों से कनेक्ट करके एक पाइप ही गया, दूसरा पाइप हमारा ये आ गया, ये सीधा उतर आएगा, सीधा नीचे उतर आएगा हमारा उसी वॉल में,
कि हमने क्या सोचा कि यहाँ पर हम कुछ देंगे, वहीं से डायरेक्ट हमने नीचे उतार लिया। और अगर यहीं पे हमारे पास एक और होगा, हमने एक जंक्शन पॉइंट यहाँ पे दे दिया, तो वहीं से हमने इसको भी ऐड करा लिया इसके थ्रू। ये हमारा कनेक्ट हो गया इस वाले से। इस तरह हम लोग पैरेलल लेते हुए जा सकते हैं। लेकिन कंड्यूट फिटिंग देने का मतलब फिर क्या हुआ? फिर एक पॉइंट ये भी आ गया, कंड्यूट फिटिंग अगर आप दे रहे हो तो फिर एक काम बढ़ गया, अब इस रूम का एलिवेशन भी देना पड़ेगा। सबसे पहला काम तो ये बढ़ गया आपका। अब अगर आप इसका एक एलिवेशन देंगे और फिर आपको वहां पर ये भी दिखाना पड़ेगा कि भाई साहब हमारी कंड्यूट फिटिंग अगर यहाँ से उतरी है तो यहाँ से जो हमारी वहां पर मशीन चलेगी, जो काटा जाएगा, जो डेप्थ उसमें देंगे पाइपिंग की, वो यहाँ से आएगी और ऐसे होके, मैं एग्जांपल लेके दिखा रहा हूँ समझ लेना, और कहाँ पर हमारा होगा, कहाँ बोर्ड लगेगा, यहाँ पर, और वो ऐसे उतर के यहाँ पर ऐड हो जाएगी। फिर आपको ये भी देना पड़ेगा, फिर हमको इसका एलिवेशन ए बी सी डी दोनों देना पड़ेगा। तो लोग क्या करते हैं, लोग क्या करते हैं वहां पर कि इस इलेक्ट्रिकल वाले पार्ट को ज्यादा फोकस रखते हैं इसको छोड़ के। क्यों? इलेक्ट्रिकल वाले पार्ट में इजी क्या रहता है, अगर हम इसको बनाएंगे तो टाइम ज्यादा लगेगा, क्योंकि इसकी जरूरत पड़ती नहीं, बहुत रेयर केसेस में ड्राइंग आती, बहुत रेयर केसेस। इसमें क्या होता है कि अगर हमने इसको डिजाइन करा, इलेक्ट्रिशियन खुद ब खुद रीड कर लेता है, ओके फैन है यहाँ पर, समझ गया, और आपने एसी दिया है, और क्या है, पावर पॉइंट सब प्लग भी है यहाँ पर, ठीक है, लाइट का भी है, ओके, टेलीफोन पॉइंट भी है, बस वो इसी के बेसिस पे सारी चीजें खुद ब खुद माइंड में कैलकुलेट करके वहां पर पढ़वा देता है कहाँ कहाँ पर कितने कितने पॉइंट आएंगे और कहाँ पर क्या होगा। इसकी जरूरत नहीं पड़ती है, इसकी जरूरत पड़ती है। ये क्वेश्चन मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि कुछ लोग क्वेश्चन कर सकते हैं, इसकी जरूरत पड़ती है कहाँ पर, जो लोग काम करते हैं पर्टिकुलर इलेक्ट्रिकल पे, टिपिकल इलेक्ट्रिकल पे, जंग पूरा एमसीबी बॉक्स पूरा, कितने एम्पियर का कहां पर कितना, कौन सी एमसीबी आएगी, कहां पर क्या होगा, पूरा सब उसमें जो डिटेल होती है, और वो कहलाता है दिस इज कॉल्ड एमईपी। ये एक पूरा खुद में सॉफ्टवेयर होता है जो लोग इस पे काम करते हैं, दिस इज कॉल्ड मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल एंड प्लम्बिंग, जिसे कहते हैं मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल प्लम्बिंग। और इलेक्ट्रिकल वाले पोर्शन में वहां पर कंड्यूट फिटिंग को वहां पर मेंशन करा जाता है, उस वाले सेक्शन में, वहां पर आप दे सकते हैं। अगर मैं आपको थोड़ा सा बताऊं वहां पर, तो इतना डिटेल्स में जाना मतलब थोड़ा सा टाइम वेस्ट करना होगा। इसको मैंने यहाँ पे एक आइडिया दे दिया कि अगर कोई पूछे तो कहना कि यहाँ पर इतनी डिटेल काफी है। और अगर आप किसी बड़े से बड़े आर्किटेक्ट की भी ड्राइंग देखोगे तो वहां पर भी आप देख लेना, वो सिर्फ एक लिमिट रखता है इलेक्ट्रिकल तक, इससे ऊपर वो लिमिट नहीं रखता है, सिंपल, क्योंकि उसको पता है कि एक कॉमन सी बात है, देखो तुम लोग काम तो करोगे डिटेल में फ्यूचर में, मुझे पता है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन देखो जब वो भी डिपेंड करेगा ना कि जैसा पैसा मिलेगा क्लाइंट से वैसे तो काम करेंगे ना, या फिर हम लोग बिल्कुल गधों की तरह काम करोगे, दे रहे हैं 5 रुपए और काम कर रहे हैं 50 रुपए वाला, ऐसा भी नहीं करना है। तो इन चीजों को प्रैक्टिस में रख के जब उस लेवल पे आओगे ना, तब काम करने में मजा भी आएगा कि हमने मांगा, उसने इलेक्ट्रिकल दे दिया, हमने इलेक्ट्रिकल और कंड्यूट दोनों दे दिया हमने उसको वहां पर, तो ऐसा नहीं है। अब मैं किस सॉफ्टवेयर की बात कर रहा था, तो एक सिर्फ रेफरेंस और एक एग्जांपल के लिए हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं, ताकि आप लोगों को समझ जाए कि वाकई में हर एक सॉफ्टवेयर की अपनी अपनी एक लिमिटेशन और हर एक सॉफ्टवेयर के एक प्लस पॉइंट होता है। ये बनता है एमईपी के सॉफ्टवेयर पे पूरी वायरिंग के साथ। अब ये तो हम नहीं कर सकते ना, ये तो मेरा काम नहीं आया। और इसकी ड्राइंग भी दिखा दूं तो शायद दिमाग खराब हो जाएगा आप लोगों का कि सर ये क्या चीज है। ये कुछ इस तरह डिटेल में काम होता है इस पार्ट पे। तो ये पार्ट भी डिफरेंट हो गया। फिर ये इसका मतलब क्या हुआ कि इसका मतलब कि उनके पास एक बंदे बैठे हुए हैं काम करने वाले, जो सिर्फ पर्टिकुलर इसी पे काम करेंगे। हमारे पास इतना टाइम नहीं होगा, मेरे पास टीम होगी, मैंने उसको बता दिया, इलेक्ट्रिकल वाला बंदा आया, ड्राइंग को रीड करी, उसने अपना काम करा, और जिसे काम करना होगा पावर पे, भाई वो इस पे फिर तरह काम करेगा, जिसे काम करना होगा इस तरह, वो 3D में सारी चीजें देखा,
और यहाँ तक कि वो रिपोर्ट भी तैयार करेगा जैसे कि इस तरह करी जाती है। रिपोर्ट में क्या क्या चीजें उसके ऐड हो रही हैं, जहां पर आप हर एक पार्ट को मेंशन करोगे डिटेल में।